तो कहानी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक घर में बेबी सीटर की जॉब के लिए आई थी। बेबी सीटर यानी कि उसका काम उस घर में बच्चों को संभालने का था। वो लड़की जब उस घर में आती है तो उसे उधर कोई भी नजर नहीं आता। वहीं पर वो अपनी मॉम को भी कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो आज रात यहीं पर रहने वाली है। तभी बातों के दौरान उसे अजीब सी आवाज आती है। जब वो लड़की आवाज का पीछा करती है तो वो आवाज उस घर के बेसमेंट से आ रही थी। जब वो जाकर देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। उस बेसमेंट में एक औरत बैठी अपने ही बच्चे को खा रही थी। एकदम से वो उस लड़की को भी अजीब नजरों से देखती है। जब वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उस औरत का हस्बैंड बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद उस औरत ने लड़की को भी मार दिया था। उस बेसमेंट के दरवाजे पर हम अजीब से बनी निशान को देखते हैं, जिसका हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। अब आगे हमें कहानी कुछ सालों बाद प्रेजेंट मौजूदा दौर की दिखाई जाती है। हम बेन नामी 17 साल के एक लड़के को देखते हैं जो अपने छोटे भाई के साथ छुट्टियां गुजारने अपने डैड के पास जा रहा था। बेन अपने डैड के पास पहुंच गया था जो कि टाउन में रहा करते थे। शाम को दोनों बैठकर जब खाना खा रही थी तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बेन के मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला था, जिससे बेन बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसके मॉम डैड अलग हो जाएं। बेन के डैड बंदरगाह पर काम किया करते थे, इसलिए अगले दिन वो उसे अपने साथ काम पर ले जाते हैं। बेन के डैड के घर के पास ही एक और घर था जहाँ पर एक फैमिली छुट्टियाँ गुजारने आई हुई थी। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके दो बेटे थे। बेन जब उस फैमिली के बारे में अपने डैड से पूछता है तो वो बताते हैं कि शायद वो फैमिली कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने आई हुई है। उधर बंदरगाह पर बेन की कुछ लड़कों से बहस हो जाती है। जब वो उनसे बात कर रहा था तो तभी यहाँ पर बेन के पास एक लड़की आती है जिसका नाम मैलरी था। वो भी यहीं पर काम किया करती थी। फिर हमें यहीं पर पास ही जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबी नाम की औरत अपने बेटे के साथ घूम रही थी। दरअसल एबी की फैमिली ही बेन के डैड के घर के पास रहने आई थी। ये जंगल में हाइकिंग कर रही थी, मगर यहाँ पर एबी से उसका बेटा बिछड़ जाता है, वो कहीं पर गुम हो गया था। तभी उसके बेटे को एक अजीब सा दरख्त दिखाई देता है। उस दरख्त के पास एक बहुत बड़ी सुरंग थी जिसमें से आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मॉम उसे पुकार रही हूँ। एबी का बेटा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे दरख्त पर वही निशान नजर आता है जो हमने बेसमेंट के दरवाजे पर भी देखा था। एबी का बेटा उस निशान की तस्वीर बना लेता है। उसे उस सुरंग से अजीब सा कुछ नजर आता है, ऐसा कि जैसे किसी का हाथ हो और उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। तभी उधर एबी आ जाती है जो उसे अपने साथ ले गई थी। रास्ते में उसकी गाड़ी की टक्कर एक हिरन से हो जाती है जो मर गया था। अब एबी उसे अपने साथ घर ले आई थी। उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम इसे क्यों लाई हो। वो बताती है कि हम उस हिरन का गोश्त खा सकते हैं, मैं उसे खुद काटूंगी ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कि गोश्त आखिर मार्केट में आता कैसे है। वो चाकू लेकर उस हिरन को जब काटने जाती है तो वो उसे नहीं काट पाती। उसने खुद और अपने बेटे को गंदा कर लिया था, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि उसी हिरन में से कोई अजीब सी चीज बाहर आती है। बेन की भी अपने घर में आग खुल गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके घर की छत पर कोई चल रहा हो। जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे एबी के घर के बाहर एक सुराख नजर आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर हो। तभी एबी का हस्बैंड भी जाग गया था। वो बेन से पूछता है कि क्या हुआ, सो जाओ, जाकर परेशान मत हो, कोई जानवर होगा। तभी हम बेन के पीछे अजीब सी चीज को देखते हैं जो उसी को देख रही थी। अगली सुबह जो सुराख रात में बेन ने देखा था उसके पास एबी का बेटा खड़ा था। बेन जाते हुए उसे कहता है देखो यहाँ से दूर हट जाओ। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई जानवर उधर छुपकर बैठा होगा। उसी दिन एबी जब अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर घर से बाहर आती है तो देखती है उनके घर के आसपास के फूल मुरझा गए हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि उसके घर के बेसमेंट से छुपकर कोई उन्हें देख रहा हो। दोपहर को बेन जब समुन्दर के किनारे जाता है तो उधर उसे एबी का बेटा मिलता है जो कश्ती में लेटा सो रहा था। बेन उसे जगाकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं यहाँ अपने डैड का इंतजार कर रहा था जो मुझे आज कश्ती पर घुमाने वाले थे। बेन ये सुनकर कहता है अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ढेर सारी कैंडीज दूंगा, मगर उसके बदले तुमने मुझे आकर ये बताना है कि अगर तुम्हें अपने घर के आसपास कुछ गलत लगे तो मुझे आकर बताओगे। क्योंकि उस रात से बेन डरा हुआ था। इन्हीं दिनों बेन के डैड एक लड़की को भी पसंद करते थे जिससे वो बेन को मिलवाना चाहते थे, मगर बेन उस लड़की को मिलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसी की वजह से उसके मॉम डैड अलग हो रही हैं। इसीलिए वो अपने डैड को बिना बताए उसी दिन मैलरी के साथ उसके दोस्तों की पार्टी में चला जाता है जहाँ पर वो खूब शराब पीता है और मौज मस्ती करता है। मगर उधर भी पार्टी में मैलरी के दोस्त उसके साथ गलत करते हैं जिस पर उसे गुस्सा आ गया था। अब रात को एबी के घर पर मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उसका छोटा बेटा झूले में सो रहा है। उस झूले के पास एक अजीब सी चीज थी जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही थी। अचानक से एबी के बेटे का खिलौना नीचे गिर जाता है। इसी शोर से एबी भी जाग गई थी। जब वो अपने बेटे के कमरे में जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है, झूले में उसका बच्चा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ लकड़ियाँ पड़ी थी। तभी अचानक से दो हाथ नीचे से निकलकर एबी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। रात को बेन जब अपने घर वापस जा रहा था तो जंगल की तरफ जाती एबी को देखता है जिसकी गोद में उसका बच्चा था। इससे पहले वो उसे रोक
पाता उधर उसकी डेल्टा जाती है जो उस पर गुस्सा हो रही थी, क्योंकि आज रात उन्होंने उस लड़की के साथ बेन का डिनर रखा था जिसको वो पसंद करते थे। यहाँ पर बेन अपने डैड से कहता है, मैं उससे नहीं मिलना चाहता डैड, उस औरत की वजह से आप मेरी मॉम को छोड़ रहे हैं। ये बातें उस औरत ने भी सुन ली थी क्योंकि अभी भी वो बेन के डैड के साथ ही थी और अपने बारे में ऐसा सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह एबी को दिखाया जाता है जो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी, मगर उसके हस्बैंड और बच्चों को उस पर जरा शक नहीं होता। उसके हस्बैंड को आज किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना था। एबी का बड़ा बेटा जब उसके कमरे में आता है तो अपनी मॉम को बिना कपड़ों के बहुत ही अजीब हालत में देखता है जिसे देखकर वो डर गया था। बेन जब रात को अपने घर आता है तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, उधर ही एबी का बेटा भी था जो डरकर छुप गया था और सहमा हुआ था। वो बेन से कहता है, मुझे अपने घर नहीं जाना और उसे प्लीज अंदर आने मत देना। दरअसल वो एबी यानी कि अपनी मॉम के बारे में बात कर रहा था। इतने में एबी भी बेन के घर पर आ गई थी जो अपने बेटे को लेने आई थी। बेन उससे झूठ बोल देता है कि उसका बेटा यहाँ पर नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद एबी अपने बेटे को मारती होगी। अब एबी जबरदस्ती बेन के घर आने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा यहीं पर है। तभी उसका हस्बैंड भी उधर आ जाता है। एबी का बेटा जब अपने डैड की आवाज़ को सुनता है तो वो बाहर आ गया था और अपने डैड से कहता है, चले डैड अपने घर चले। बेन को अब इन पर शक होने लगा था। वो सोचता है कि इनकी फैमिली में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो उन पर नजर रखना शुरू कर देता है। मगर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता क्योंकि एबी अपने हस्बैंड के साथ कमरे में थी। तभी हम देखते हैं उसके जिस्म पर अजीब से निशान थे और उसकी हड्डियों में भी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एबी उसे किसी ने कंट्रोल कर लिया हो या फिर वो एबी थी ही नहीं। अगले दिन समंदर के किनारे बेन एबी के बेटे का इंतजार करता है ताकि वो उसे जान सके कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा है, मगर उस दिन एबी का बेटा उधर नहीं आता, इसीलिए वो उसके बारे में पता करने बेन खुद उसके घर जाता है। जब वो उसके डैड से उसके बारे में पूछता है तो हैरानी और ताज्जुब की बात ये थी, उसके डैड को अपने बेटे के बारे में पता ही नहीं था। वो कहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें याद ही ना हो कि उनके बच्चे भी हैं। वो सब कुछ भूल चुके थे। बेन को ये सुनकर सब बातें काफी अजीब लगती हैं। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तो जाते हुए उसे वही अजीब निशान दिखता है जो एबी के बेटे ने जंगल में देखा था, और हमने कहानी के शुरू में वो उस निशान की तस्वीर बना लेता है और जाकर इंटरनेट पर सर्च करता है। सभी बातों को सामने रखकर उसे एक डीमन के बारे में पता चलता है, एक खौफनाक चुड़ैल जो जंगलों में दरख्तों की जड़ों में रहती है और वो इंसान के जिस्म को कपड़ों की तरह इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसान के अंदर दाखिल हो सकती है। बाहर से इंसान वो ही नजर आएगा मगर अंदर वो चुड़ैल होगी। उसमें ऐसी ताकतें भी थी कि वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर लेती थी और बच्चों का खून भी पीती, ऐसे बच्चों का जिनके माँ बाप उन्हें भूल जाते, यानी कि पहले वो चुड़ैल उन बच्चों के माँ बाप को पोजेस अपने कंट्रोल में करती और फिर उनके बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। मतलब उस चुड़ैल ने एबी के हस्बैंड के दिमाग को कंट्रोल कर लिया था और एबी मर चुकी थी। असल में जो एबी बनकर घूम रही थी वो एबी नहीं, वो डीमन चुड़ैल थी। उस चुड़ैल ने एबी की स्किन जिल्द पहनी हुई थी और एबी के दोनों बच्चों को खा चुकी थी। खैर, ये सारी बातें जानने के बाद बेन काफी हैरान था। वो इस बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकता था, आखिर कौन उसकी इन बातों पर यकीन करता। इसीलिए वो अपनी दोस्त मैनरी को बुलाता है और सारी बातों के बारे में बताता है। कहता है कि हमारे पड़ोसी कुछ अजीब से हैं, उनके दोनों बच्चे गायब हैं, मगर उन्हें इस चीज की कोई परवाह ही नहीं। तभी वो एबी यानी कि उसी डीमन चुड़ैल को बेसमेंट में कुछ छुपाते हुए देखता है। अब मैलोरी मजाक में एक नोट पर लिखती है कि हम जानते हैं तुमने बेसमेंट में क्या छुपाया है, और साथ ही उस निशान को भी बना देती है। उसने वो नोट लिखकर एबी के घर पर फेंक दिया था, जिसको एबी का हस्बैंड उठा लेता है। जब वो उस नोट को पढ़कर बेसमेंट में जाकर देखने लगता है तो एबी उसे रोक लेती है और उसके कान में कुछ कहती है। तभी उसके हस्बैंड के कान से खून आने लगा था। उसके बाद तो वो अपने होश में ही नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो आधा जिंदा और आधा मरा हुआ इंसान हो। एबी की भी जिल्द उतर रही थी। हकीकत में तो वो डीमन चुड़ैल थी, मगर स्किन सिर्फ एबी की थी। बेन का यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद था, इन लोगों पर नजर रखना। उसे यकीन हो चुका था कि कुछ तो गलत है। एक दिन वो एबी को तैयार होकर उनके घर के बेसमेंट के तहखाने से निकलता हुआ देखता है। उसके जाने के बाद फौरन से वो वहाँ ताला तोड़कर अंदर जाता है। अंदर अजीब सा मंजर था, लकड़ियाँ जमा करके कुछ बनाया गया था। उधर एक जानवर की खोपड़ी भी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इधर कोई काला जादू किया हो। वहाँ पर उसे कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं जिसमें एबी की फैमिली की भी थी।
उनके चेहरों पर क्रॉस के निशान लगाए गए थे। उधर ही मैलोरी और बेन की फैमिली की भी तस्वीरें थी। वो ये देखकर जल्दी से अब मैलोरी को बताने की कोशिश करता है क्योंकि उस डीमन चुड़ैल का अगला शिकार उसकी फैमिली थी। मैलोरी की फैमिली में उसकी छोटी बहन थी जिसका वो चुड़ैल अब खून पीना चाहती थी। बेन जल्दी से उसे बचाने जाता है मगर उसे पहुँचने में देर हो गई थी। डीमन चुड़ैल मैलोरी को अपनी सुरंग में ले गई थी। बेन उसका हाथ भी पकड़ता है जो मदद के लिए पुकार रही थी। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगता है तभी उसका पांव फिसल गया था जिस वजह से उसका सर एक पत्थर से लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब बेन को होश आता है तो वो देखता है अब तक शाम हो गई थी। जैसे ही वो घर जाता है तो उधर घर में पुलिस आई हुई थी जो उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल उसके खिलाफ एबी ने रिपोर्ट करवाई थी कि वो उसके घर पर नजर रखता है मगर ये सारी बातों को उसके डैड ने संभाल लिया था। बेन अपने डैड से कहता है कि डैड मेरा यकीन करें हमारे साथ में जो लोग रहते हैं उस औरत ने अपने बच्चों के साथ कुछ तो जरूर किया है मगर उसके डैड उसकी एक बात नहीं सुनते और उल्टा उससे ही झगड़ा करने लगते हैं। आज रात इनके साथ वो औरत भी रहने वाली थी जिसको बेन के डैड पसंद करते थे मगर जल्दी बेन को ये बात पता चल जाती है कि वो डीमन चुड़ैल अब उस औरत के अंदर है क्योंकि वो जिन फूलों के पास खड़ी थी वो मुरझा गए थे। तभी वो डीमन चुड़ैल बेन पर हमला कर देती है। बेन भी चाकू उठाकर उस पर हमला करता है। तभी वहाँ पर बेन के डैड आ गए थे। वो बेन को बहुत डांटते हैं और पुलिस को बुलाकर बेन को उनके हवाले कर देते हैं। बेन अपने डैड को बहुत समझा कि डैड उस औरत के अंदर डीमन चुड़ैल है मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। पुलिस भी बेन को पकड़कर ले जाती है। रास्ते में पुलिस वाला उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि समंदर के किनारे ले गया था। उस पुलिस ऑफिसर के टांग से खून निकल रहा था यानी कि उस डीमन ने उसे भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो बेन को पकड़कर समंदर के किनारे ले जाता है और पानी में डुबोकर उसे मारने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉग आता है। इस डॉग को अक्सर बेन खाना खिलाया करता था। वो डॉग उसकी मदद करने आया था मगर पुलिस वाला उसे भी मार देता है। अब वो बेन को भी मारने वाला था तभी न जाने उसे क्या हो जाता है उसने खुद ही को गोली मार ली थी। उधर बेन के डैड को अब अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। वो पुलिस स्टेशन जाकर उसे देखना चाहते थे मगर वही औरत उन्हें रोकती है जिसके अंदर डीमन शैतान था। वो बेन के डैड को बाहर जाने से रोक रही थी मगर वो किसी तरह बाहर आ जाते हैं और एक बार एबी के घर के बेसमेंट में जाकर देखने लगते हैं। उधर वो देखते हैं एबी के हस्बैंड ने तो लटक कर पहले ही अपनी जान दे दी थी और एबी की लाश बिल्कुल खोखली थी मतलब उस डीमन चुड़ैल ने पहले ही एबी के जिस्म को इस्तेमाल कर लिया था। ये सब देखकर बेन के डैड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी पीछे से वही डीमन चुड़ैल आ जाती है जो बेन के डैड का गला दबाकर उन्हें मारना चाहती थी। तभी पीछे से बेन भी आ गया था जो उस औरत को गोली मार देता है। वो अपने डैड को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब वो डीमन चुड़ैल भी अपने असली रूप में आ गई थी मगर उसे असली दुनिया में किसी न किसी का जिस्म चाहिए था इसीलिए वो जंगल की तरफ भागती है। उस बेसमेंट में आग लग गई थी सभी वो तस्वीरें जल जाती हैं जिसमें क्रॉस लगे हुए थे। तभी यहाँ पर बेन को याद आता है कि उसका तो एक छोटा भाई भी था जो उसके साथ यहाँ पर आया था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। ये सब बातें जैसे ही उसे याद आती हैं वो जल्दी से उस जगह पर जाता है जहाँ पर डीमन चुड़ैल रहा करती थी। उसके साथ मैलोरी भी थी। बेन उस सुरंग के अंदर जाता है जहाँ पर जड़ों का जाल था। वो बाहर मैलोरी से कहता है अगर मैं 10 मिनट के अंदर अंदर वापिस न आया तो तुम इस सारी जगह को आग लगा देना। बेन अब उस सुरंग में जाता है जहाँ पर पहले उसे अपना भाई मिलता है और फिर मैलोरी की बहन। जब वो उन्हें बचा रहा था तो डीमन चुड़ैल उस पर हमला करती है। बेन उन्हें बचाकर किसी न किसी तरह बाहर ले आया था जिसके बाद मैलोरी और बेन मिलकर उस जगह को आग लगा देते हैं। मैलोरी वापस जाते हुए उस जगह को देखती है। अब बेन भी वापस यहाँ से अपने घर जाने के लिए तैयार था। आखिरी बार वो मैलोरी से मिलता है जो उसे एक फूल देती है। बेन जब अपने मॉम डैड के साथ गाड़ी में जा रहा था तो वो जब उस फूल को गौर से देखता है तो वो फूल असल नहीं बल्कि नकली था। इसका मतलब अब वो डीमन चुड़ैल मैलोरी के अंदर थी क्योंकि उसके पास आते ही असल फूल तो मुरझा जाते थे। हम देखते हैं मैलोरी कुछ बच्चों को सैर के लिए कश्ती में ले गई थी। आखिर में हम मैलोरी के चेहरे पर एक खौफनाक हंसी को देखते हैं। क्या वो डीमन चुड़ैल मैलोरी के अंदर आकर उन सभी बच्चों को मार देगी कोई नहीं जानता। और इसी खौफनाक एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।